हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, इस क्लास में हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। आप यूपीएससी के एग्जाम्स की बात कर लीजिए, आप कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो एमबीए के लिए होता है उसके लिए आप बात कर लीजिए, ठीक है, और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप बात कर लीजिए, सीईटी सीयूईटी के लिए आप बात कर लीजिए, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लॉजिकल बेस्ड चैप्टर है ना, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है, ठीक से चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इस सीरीज में मैं पूरे सीरीज में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको कराने वाला हूं, जिससे कि आपके लिए यहाँ बहुत चीजें इजी हो जाए, इजी वे में आप उनको समझ पाएंगे। इस पहली क्लास में हम करेंगे फैक्टोरियल के फंडामेंटल, फैक्टोरियल के बेसिक्स ना, क्योंकि फैक्टोरियल एक टूल है कैलकुलेट करने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो पहले वहां उसका बेसिक करेंगे, बहुत डिटेल में हम फैक्टोरियल यहाँ नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ सीखेंगे रूल्स ऑफ फंडामेंटल, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन हम यहाँ करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा, फिर इसके बाद सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये क्लासेस आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लर्निंग अबाउट बेसिक्स ऑफ फैक्टोरियल, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको फैक्टोरियल को यूज करना होगा, इसके द्वारा उसकी कैलकुलेशन होती है। तो बेसिकली फैक्टोरियल एक कैलकुलेशन टूल है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसका बेसिक ही हम यहाँ करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या होता है फैक्टोरियल। गाइस, सपोज आपने यहां पर लिखा 5 फैक्टोरियल, है ना, 5 फैक्टोरियल। अभी आपको फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ ऐसे भी मिल सकता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अभी 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 5 to 1। सपोज आपने फैक्टोरियल 4 लिखा, तो फैक्टोरियल 4 आएगा 4 है तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। अभी आप यहां देख रहे हैं 4 3 2 1 क्या है, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है। इट मीन्स फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी आप देखेंगे 3 × 2 × 1, 4 के बाद ये फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट इट आल्सो 5 × 4 × 3, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व फैक्टोरियल 7 / फैक्टोरियल 5। तो इसको फास्ट सॉल्व करने के लिए आपको इसको ओपन करना है 7 × 6, क्योंकि फैक्टोरियल 5 नीचे है तो फैक्टोरियल 5 तक ही इसको ओपन करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, अभी आ जाएगा 7 × 6 = 42 इज योर फाइनल। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरह से इसको ओपन करते हैं, यहाँ जैसा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फैक्टोरियल हमें इसी तरह से यूज करना है पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। इसका जनरल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे आप इसको, n × (n-1) × (n-2) × (n-3) and so on × 3 × 2 × 1 till 1 तक ये आपको मल्टीप्लाई होगा,
जैसा कि हमने ऊपर देखा 5 है तो 5 टू 1, n है तो n टू 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने सेकंड टर्म पर इसको रोक दिया है या थर्ड टर्म पर इसको रोक दिया है, इसी तरह से यहाँ जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं कि आर्थ टर्म पर अगर हमें इसे रोकना होगा, आर्थ टर्म पर, तो कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए एन इंटू एन माइनस वन डिक्रीज ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। अभी सपोज आर्थ टर्म पर आपको इसको रोकना है तो आप लिखेंगे इसको एन माइनस आर। अभी देखिए ये क्या खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो पैटर्न में आप सेकंड टर्म यहां देख सकते हैं, सेकंड टर्म में आप क्या देख रहे हैं, सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं कि ये एन माइनस वन आ रहा है ना सेकंड टर्म। इट मीन्स आप इसको सेकंड टर्म शो करने के लिए लिख सकते हैं माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन ही आएगा, मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदली, लेकिन सेकंड टर्म यहाँ शो हो गया। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस टू आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है। फोर्थ टर्म एन माइनस थ्री यहाँ आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं माइनस फोर प्लस वन, ना ये माइनस टू ही मिलेगा आपको, ये माइनस थ्री मिलेगा। इसी तरह से अगर आर्थ टर्म आ रहा है तो आर्थ टर्म के लिए एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि अगर आप बीच में रोकते हैं जो हम जिस भी टर्म पे लिखेंगे वहां फैक्टोरियल आता है। ये यहाँ पर आपने ये पैटर्न देखा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं तीस टर्म तक इसको लेना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा एन फैक्टोरियल को, तीस टर्म तक लेना है तो एन इंटू एन माइनस वन, और इसी तरह से और टर्म्स भी आएंगे। तीस टर्म पर जाकर हमें रुकना है तो आप लिखेंगे इसको एन माइनस टी प्लस वन फैक्टोरियल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो फैक्टोरियल इतना ही हमें यहाँ समझना है, बेसिक बेसिक हमने समझा है यहाँ पर। बाकी जब फैक्टोरियल का हम एक चैप्टर करेंगे, अलग से सेपरेट चैप्टर करेंगे, तो वहां डिटेल में इसकी बात हम जरूर करेंगे, ठीक है। दो रिजल्ट और ध्यान रखिएगा, इस फैक्टोरियल जीरो अगर आपको मिलता है कैलकुलेशन में तो उसका वैल्यू वन होता है, ये आपको याद रखना है, और फैक्टोरियल वन का भी वैल्यू वन होता है। ये कैसे आता है तो ये भी जब आगे चैप्टर में हम बढ़ेंगे फैक्टोरियल के तब आपको जरूर बताएंगे कि फैक्टोरियल जीरो वन कैसे आता है, ठीक है। आई होप फैक्टोरियल आपको क्लियर हो गया, जो बेसिक हमें यूज करना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो इसको रिवाइंड करके वापस क्लास को देख लीजिए, इस टॉप मतलब जो ये इतना पोर्शन। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ आपका क्वेश्चन है व्हाट इज परम्यूटेशन। तो पहले परम्यूटेशन को समझना जरूरी है, इसकी बेसिक लैंग्वेज क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन इज नथिंग, दिस इज अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही आपके परम्यूटेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सिंपल एग्जांपल लेंगे, लाइक ए बी सी, थ्री लेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं और यहां आपसे बोल दिया जाए अरेंज देम, ठीक है, टू अरेंज ए बी एंड सी, और यू कैन से ऑल्सो टू परम्यूट, परम्यूट करना भी आप यहां बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम यहां देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट आपको ए बी आएगा, ए बी सी आएगा, तीनों को अरेंज करना है। सेकेंड अगर आप ए पोजिशन को फिक्स रखते हैं, सी और बी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकेंड अरेंजमेंट आ जाएगा। फिर बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, इस तरह से कुल ये आपके छह अरेंजमेंट्स हुए, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ये जो छह अरेंजमेंट्स आ रहे हैं ये सिक्स क्यों हुए, है ना, इसका क्या कारण है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब आपने पोजीशन को इंटरचेंज किया, यहां बी सी था, ए बी सी था और आपने ए सी बी किया, तो आपको एक नया अरेंजमेंट मिल गया, नया परम्यूटेशन मिल गया, है ना, ये डिफरेंट परम्यूटेशन।
लाइक ए और सी में जब आपने सी ए का पोजीशन चेंज किया तो एक आपको नया परम्यूटेशन मिल गया, या एबीसी को, होल एबीसी को आप देख रहे हैं, यहां पर आपने सभी लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया है ना, तो आपको नया परम्यूटेशन मिल गया। इट मीन जब आप जो थिंग्स हैं जिनको आप अरेंज कर रहे हैं उनके ऑर्डर को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपको नया परम्यूटेशन मिल रहा है। जैसे ही आपने ऑर्डर बदला आपको एक न्यू परम्यूटेशन मिल गया। इट मीन ऑर्डर मैटर्स, या नोट क्या होना चाहिए आपका, ऑर्डर मैटर। ठीक है, तो जब भी आप ऑर्डर बदलेंगे वहां आपका नया अरेंजमेंट आ जाएगा। ये सिंपल बात समझना बहुत जरूरी है। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत डिटेल में आपको सारी बात समझाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने यहाँ काउंट कर लिए थ्री लेटर्स को अरेंज करने के लिए। आगे चलते हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, यहां पर ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट से, यहां नंबर ऑफ सिलेक्शन। लाइक सपोज यही एग्जांपल लेते जो लास्ट था, ए बी सी थ्री लेटर्स आपके पास अवेलेबल है और यहां आपको कोई दो लेटर्स इनमें से चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, है ना। सिलेक्ट एनी टू लेटर्स फ्रॉम ए बी सी, फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, तो एनी टू सिलेक्ट करने के लिए आप पिक कर सकते हैं ए बी, ए सी एंड बी सी। अब आप बोलेंगे सर यहां ए बी, हम बी ए ले लें तो, या सी ए ले लें तो, या सी बी ले लें तो, क्या फर्क हो जाएगा। तो ये तो अलग सिलेक्शन हो गया ना। नहीं बच्चों, ये एक अलग सिलेक्शन नहीं है। आप यहां पर, आपको दो लेटर चूज करने थे, आपने सपोज फर्स्ट ए पिक किया, सेकंड में बी पिक किया, है ना, या फर्स्ट में आपने बी पिक किया, सेकंड में आपने ए पिक किया, लेकिन सिलेक्शन तो आपका एक ही है। आपको दो लेटर सेलेक्ट करने थे, वो दो लेटर्स आपने उठा लिए ए बी। इसका डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, सिलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है ए सी, क्योंकि ए के साथ इस बार सी आ रहा है, पहले बी आया था। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन इसका आ रहा है बी सी, बी के साथ सी आ रहा है या सी के साथ बी आ रहा है, इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये थ्री सिलेक्शन जो आपने लिखे हैं ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि ए बी या बी ए एक ही बात है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने आएंगे, थ्री आएंगे। इट मीन्स यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर हियर, कॉम्बिनेशन केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ए बी हो जाए या बी ए हो जाए। तो बेसिकली ये आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। और वहां पर क्या करना था आपको, प्लेसेस पर, है ना, जो प्लेसेस थी अरेंजमेंट में वहां उनको प्लेस करना था डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर। ठीक है, तो जैसे ही पोजिशन बदलेंगी, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, तो वह एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, थिंग्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, उठाना है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब यहां कर क्या रहे हैं, बेसिकली आपने क्या किया, अभी दोनों केसेस में देखा आपने, यहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को काउंट किया, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास अगर थ्री लेटर्स थे तो आपने इनको मैनुअली काउंट कर लिया, लेकिन फोर आ जाएंगे तो फोर लेटर्स पर यही जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे 24 आएंगे। अगर ये फाइव लेटर्स होंगे तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट 120 आ जाएंगे। अगर यही लेटर सिक्स हो जाएंगे तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट 720 आ जाएंगे। इसी तरह से आपका बड़ा बड़ा नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो इनको काउंट करने का और क्या तरीका है, वही आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखने जा रहे हैं, किस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इन अरेंजमेंट्स को काउंट करने के लिए या इन सिलेक्शंस को काउंट करने के लिए। कहीं कहीं कॉमन भी होगा, अरेंजमेंट्स और सिलेक्शन साथ में आएंगे, है ना, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग ही आपको सीखनी है, लेकिन एक लॉजिकल वे।
एक स्मार्ट वे में आपको काउंटिंग करना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंटिंग करना सीखेंगे बिना काउंट किए, मतलब आपने बच्चों की तरह काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 है ना। छोटे नंबर्स को तो आपने पिक किया आराम से आ गए, लेकिन यही संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन भी बहुत बहुत सारे बन सकते हैं। तो वो क्या तरीका है, किस तरह से इनको काउंट करते हैं, वही बोलते हैं हम फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पर एक छोटा एग्जांपल और लेंगे जिसमें मैं मैनुअली काउंट करके आपको बताऊंगा, फिर इनके फंडामेंटल रूल्स पर भी चलेंगे जहां से हम फास्ट काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आपके पास 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी। 2 केस आपको मैंने यहां दे दिए, एक फर्स्ट में बोल दिया चूज और सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम गिवन लेटर, और सेकेंड मैंने आपको बोल दिया अरेंज एनी 3 फ्रॉम गिवन लेटर ए बी सी डी, ठीक है। तो फर्स्ट पर अगर आप आते हैं चूज करना है, चूज करने के लिए आपको कोई 2 चूज करने हैं इन 4 में से, तो ए बी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ए के साथ सी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ए के साथ बी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने बताया ऑर्डर यहां मैटर नहीं करता है सिलेक्शन में, है ना। आपको तो 2 लेटर सेलेक्ट करने थे, वो आपने पिक कर लिए। अभी इसी तरह से आप बी के साथ सी को सिलेक्ट कर सकते हो, बी के साथ बी को सिलेक्ट, ठीक है। अब बी के साथ ए को सिलेक्ट, बी के साथ आपको ए को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ए बी आपने सिलेक्ट यहां कर लिया है, और फिर सी के साथ आप बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सी के साथ बी को सिलेक्ट नहीं करना है, बी सी आप कर चुके हैं। सी के साथ ए को सिलेक्ट नहीं करना है, ए सी आप कर चुके हैं। तो यहां पर आपके पास 6 नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गए, ठीक है, आउट ऑफ 4 में से 2 सिलेक्ट करने के लिए। सेकेंड आपका था नंबर ऑफ अरेंजमेंट, उसको भी ध्यान से देखना है। देखिए ए बी सी आपका एक अरेंजमेंट होगा, फिर ए सी डी, फिर ए बी डी भी छूट गया, ए बी डी भी लिख दीजिए और बी सी डी। अभी आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, हमने यहां पर क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं इनमें से उनको पहले सेलेक्ट किया, ए बी सी, ए सी डी को सिलेक्ट कर लिया, ए बी डी को सिलेक्ट कर लिया, बी सी डी को सिलेक्ट कर लिया। अब इनको हम वापस अरेंज करेंगे, एबीसी के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। अभी हमने देखे थे 3 लेटर्स के अरेंजमेंट 6 आ रहे थे अभी, है ना, किया था इससे पहले, एक बार लिख देते हैं। मतलब ये आपके पास ए सी बी हो सकता है, ए ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, क्या आ गया, ये बी ए सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, सी डी ए हो सकता है। तो 3 लेटर से 6 अरेंजमेंट आपके बन रहे हैं यहां पर, इसी तरह से यहां भी 6 अरेंजमेंट आपके बनने वाले हैं, यहां भी 6 अरेंजमेंट आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहां हमें एक बहुत अच्छा रूल मिला है, क्या रूल मिला है, जब आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करने के लिए कम लेटर्स हैं या कम थिंग्स हैं और दी गई ज्यादा थिंग्स हैं, मतलब 4 थिंग्स में से आपको 3 को अरेंज करना था, यही था ना, तब आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा उन 3 ग्रुप्स को, कितने ग्रुप्स बन सकते हैं वो 3 लेटर्स के, फिर उनको अरेंज करना है ना। तो यहां मतलब बना, इफ यू हैव मोर थिंग्स देन टू अरेंज नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, यू हैव मोर थिंग्स देन टू अरेंज नंबर ऑफ थिंग्स देन फर्स्ट चूज और यू कैन से फर्स्ट सेलेक्ट एंड देन अरेंज।
first select and then arrange. This is the rule number one. If you have more things, likh lijiye ye bhi aap. If you have more things, then to arrange, ठीक है, अरेंज करने के लिए जितना थिंग्स आपको चाहिए उससे ज्यादा आपके पास थिंग्स अवेलेबल है, तो उन ज्यादा थिंग्स में से, उन ज्यादा नंबर्स में से आपको उनको अरेंज करना है, सॉरी पहले सेलेक्ट करना है, चूज करना है, फिर उनको अरेंज करना है. तो ये एक और शानदार रूल आपके पास आ गया है. इसको हम बहुत सारी जगह यूज करने वाले हैं, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होने चाहिए. तो ये अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाया किस तरह से हम काउंट करते हैं, लेकिन मैनुअल काउंट करने में कितना टाइम लग रहा है ये आप देख रहे हैं. क्या फंडामेंटल रूल है जिससे फास्ट हम काउंट कर पाएंगे? तो फर्स्ट रूल आता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग. पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे. इफ एन इवेंट अकर्ड इन एन डेज एंड आफ्टर फिनिश फर्स्ट इवेंट एंड अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट अकर्ड इन एन डेज. क्या कह रहा है ये बात? ये बोल रहा है कि आपके पास एक इवेंट है जिसको एन डेज से किया जा सकता है, उसको खत्म करने के बाद आफ्टर फिनिश फर्स्ट इवेंट एंड अनदर इवेंट, अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये जो इवेंट है दूसरा वाला, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है फर्स्ट इवेंट, है ना. फर्स्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, कौन सा वे हमने यूज किया यहां तक पहुंचने के लिए, इस इवेंट तक पहुंचने के लिए, उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है सेकेंड वाली इवेंट पर, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा. ठीक है, और बाकी इलस्ट्रेशन में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा. इंडिपेंडेंट इवेंट अकर्ड इन एन वेज, बोथ द इवेंट अकर्ड वन आफ्टर अदर इन एम इन टू एन वेज, देन दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज. ठीक है, इतना समझ आ गया आपको. चलिए समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. इलस्ट्रेशन है, सपोज आपके पास दिल्ली टू पटना फोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं. फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सपोज है आपके पास हाईवे, सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रोड, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ ट्रेन, एंड फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर एयरप्लेन. फिर पटना टू चेन्नई जाने के लिए आपके पास फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हाईवे, सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रोड वन, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रोड टू, फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ट्रेन, एंड फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयरप्लेन. मतलब दिल्ली से पटना अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास फोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है. ठीक है, अगर आप पटना से चेन्नई जा रहे हैं तो आपके पास फाइव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, ऐसा यहां बोला गया. ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस यहां पूछेंगे, उनके आंसर्स आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आर गोइंग फ्रॉम, ये मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूं. यहां भी ठीक कर देते हैं. और यहां भी ये ठीक हो जाएगा. चलिए अब आइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. तो दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, आइए समझते हैं इसको.
बहुत ध्यान के साथ आपको समझना है, डीप नॉलेज आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की यहाँ दी जा रही है, जिसमें फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में आप मल्टीप्लिकेशन रूल समझ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कोई डायरेक्ट रूट हमें यहाँ नहीं दिया है, डायरेक्ट रूट हमारे पास यहाँ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए पहले आप दिल्ली से पटना जाएंगे किसी एक रूट को लेकर, जो एक चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें से कोई ऑप्शन आपको यूज करते हुए दिल्ली से पटना जाना है, फिर उसके बाद पटना से चेन्नई जाना है, इन फाइव रूट्स में से कोई एक रूट को लेकर, दिल्ली टू पटना एंड देन पटना टू चेन्नई। ठीक है, तो दिल्ली टू पटना आप गए किसी एक रूट से, यानी कि आपने दिल्ली टू पटना जाने के बाद एक इवेंट को खत्म भी कर लिया, फिनिश कर दिया है, फर्स्ट इवेंट आपका फिनिश हो गया और किसी एक रूट से आप गए हैं, कोई भी रूट वो हो सकता है, हाईवे, रोड, ट्रेन और एयरवे। फिर पटना से चेन्नई जाने के लिए आप कोई दूसरा कोई एक रूट ले सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि पटना से चेन्नई आप किस रूट से जाएंगे, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप दिल्ली से पटना किस रूट से आए हैं। यानी कि दिल्ली से पटना जाने के लिए जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है पटना से चेन्नई जाने के लिए, या आप बोल सकते हैं पटना से चेन्नई जाने के लिए जो इवेंट आप करने वाले हैं वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है दिल्ली से पटना आने के लिए। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से दिल्ली से पटना आए हैं इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि पटना से चेन्नई जाने के लिए आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेना। ठीक है, तो मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने के लिए सारी शर्तें हमारी फुलफिल हो गई। और यहां ये ध्यान रखिए कि आप दिल्ली एक जो कंजक्शन है इंग्लिश का वो भी आपको याद रखना है, दिल्ली टू पटना जाएंगे एंड देन पटना टू दिल्ली। तो इस कंजक्शन पर ध्यान रखिए, यहां एंड आ रहा है, यानी कि पहले फर्स्ट कंडीशन को आपने फुलफिल किया फिर आप सेकंड कंडीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली टू पटना एंड पटना टू चेन्नई, फर्स्ट इवेंट खत्म किया फिर उसके बाद आप सेकंड इवेंट पर आए हैं और सेकंड इवेंट आपका एक इंडिपेंडेंट इवेंट। इट मीन टोटल नंबर ऑफ वेज यहां कितने आ जाएंगे, 4 × 5 = 20। आपके लिए मैं एक बार इसको मैनुअली भी काउंट करूंगा जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए आप हाईवे के थ्रू आए सपोज दिल्ली से पटना। ठीक है, फिर पटना से दिल्ली जाने के लिए, पटना से चेन्नई जाने के लिए आप हाईवे से भी जा सकते हैं, अगर आप हाईवे से आए थे आप रोड वन से भी जा सकते हैं, अगर आप हाईवे से आए थे आप रोड टू से भी जा सकते हैं, अगर आप हाईवे से आए थे आप ट्रेन से जा सकते हैं पटना टू चेन्नई, अगर आप हाईवे से आए थे दिल्ली से पटना तो आप पटना से चेन्नई एयरबेस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। आपने दिल्ली से पटना जाने के लिए, हमने सपोज कर लिया कि आपने हाईवे लिया, लेकिन पटना से चेन्नई जाने के लिए आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो भी आपने वहां से लिया था। अब सेकंड हो सकता है कि आप रोड के थ्रू आए दिल्ली से पटना, तो फिर जब आप पटना से चेन्नई जा सकते हैं तो आप हाईवे के थ्रू जा सकते हैं, आप यहाँ रोड के थ्रू आए थे, यहाँ आप रोड वन के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ रोड के थ्रू आए थे, यहाँ आप रोड टू के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ आप रोड के थ्रू आए थे, यहाँ आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ आप रोड के थ्रू आए थे, यहाँ आप एयरबेस के थ्रू जा सकते हैं। इसी तरह से सपोज आप ट्रेन के थ्रू आए हैं दिल्ली से पटना, तो पटना से चेन्नई आप हाईवे के थ्रू जा सकते हैं, आप यहाँ ट्रेन के थ्रू आए थे आप यहाँ रोड वन के थ्रू जा सकते हैं, आप यहाँ ट्रेन के थ्रू आए थे आप यहाँ रोड टू के थ्रू जा सकते हैं, आप यहाँ ट्रेन के थ्रू आए थे यहाँ भी आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ ट्रेन के थ्रू आए थे यहाँ एयरबेस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप एयरबेस के थ्रू आए थे दिल्ली से पटना, तो पटना से चेन्नई आप हाईवे के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप एयरबेस के थ्रू आए थे तो आप रोड वन के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप एयरबेस के थ्रू आए थे तो आप रोड टू के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप एयरबेस के थ्रू आए थे तो आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप एयरबेस के थ्रू आए थे तो आप एयरबेस के थ्रू जा सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए दिल्ली टू चेन्नई जाने के। बीच में आपका पटना पड़ रहा है, तो दिल्ली से पहले पटना, फिर पटना से चेन्नई।
तो काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 फाइव वेज आए हैं। इसी तरह से फाइव वेज सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, फाइव वेज थर्ड कॉलम में आ रहे हैं, फाइव वेज फोर्थ कॉलम में आ रहे हैं। तो टोटल 5 × 4 ये 20 वेज आ जाएंगे, 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, तो लॉजिकली रूल को समझते हुए आपने किया तो आपको सिर्फ इतना लिखना था, और मैनुअली अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी, क्वेश्चंस बड़े होते चले जाएंगे, तो ये भी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी, तो उसको पास करने के लिए रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सीखना हमें बहुत जरूरी है। तो अभी आपको सही से समझ आ गया होगा कि कहाँ आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है। इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या करेंगे वो बात आगे करेंगे अभी। ठीक है, और फर्स्ट इवेंट को खत्म करने के बाद ही सेकंड इवेंट को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपका आ गया है 4 × 5 = 20। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एंड देन चेन्नई टू दिल्ली। अभी क्या बोल दिया उसने, दिल्ली टू चेन्नई एंड चेन्नई टू दिल्ली, लेकिन दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए डायरेक्ट रूट तो हमारे पास नहीं है गिवन, तो इसका मतलब हम वाया पटना जाना है, तो आप दिल्ली टू पटना जाएंगे पहले, फिर पटना टू चेन्नई जाएंगे, फिर चेन्नई टू पटना वापस आएंगे, अगर दिल्ली वापस आना है फिर पटना टू दिल्ली आए, ये आपको यूज करना पड़ेगा रूट। ठीक है, अब दिल्ली से पटना जाने के लिए आपके पास 4 नंबर ऑफ वेज, पटना से चेन्नई जाने के लिए आपके पास 5 नंबर ऑफ वेज है, चेन्नई से पटना जाने के लिए आपके पास फिर से 5 नंबर ऑफ वेज है, वही वेज रहेंगे, है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेंगे, और पटना टू दिल्ली जाने के लिए भी आपके पास 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और सारे के सारे जो भी इवेंट्स हैं सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी भी इवेंट का दूसरी इवेंट पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ आए हैं या किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप वापस आ रहे हैं, इन दो बातों का एक दूसरे पर फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स सारे इवेंट इंडिपेंडेंट हैं और एक इवेंट को करने के बाद ही आप दूसरा इवेंट करेंगे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अभी देखिए ये 400 मैनुअली काउंट करना टफ हो जाता है, यहाँ आपने 20 काउंट कर लिया मैनुअली, लेकिन 400 अगर काउंट करेंगे तो कुछ मिस होंगे, जो भी आपके नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, यहाँ पे आप बड़ी जल्दी इसको आपने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एंड देन चेन्नई टू दिल्ली विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी यहाँ तो एक कंस्टेंट लगा दिया, एक कंडीशन आ गया गाइस, क्या कंडीशन है, विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपको दिल्ली टू चेन्नई जाना है फिर चेन्नई टू दिल्ली वापस आना है, तो दिल्ली टू चेन्नई एंड चेन्नई टू दिल्ली, तो दिल्ली टू चेन्नई जाने के लिए जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने यहां यूज किया है, ठीक है, चेन्नई टू दिल्ली वापस आने के लिए वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको यहां यूज नहीं करना है, दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आपको वापस आना है, ये कंस्टेंट, ये कंडीशन इसने यहां पर दे दिया है। चलिए समझते हैं इस बात, इस कंस्टेंट को हम कैसे यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन तो आपके पास पहले से ही है, दिल्ली टू चेन्नई डायरेक्ट रूट नहीं है, तो आपको पहले दिल्ली टू पटना, पटना टू चेन्नई, फिर लौटते हुए चेन्नई टू पटना, फिर पटना टू दिल्ली, ये करना होगा। अब यहां ध्यान से समझिए, दिल्ली टू पटना आप जा रहे हैं आपके पास 4 रूट्स अवेलेबल है, बिल्कुल 4 रूट्स अवेलेबल है, पटना टू चेन्नई आप जा रहे हैं आपके पास 5 रूट्स अवेलेबल है, ओके 5 रूट आपने ले लिए, फिर वापस जब आप चेन्नई से पटना आ रहे हैं तो यहां पर एक कंडीशन आपको दे दिया है कि जो इस रूट से आप पटना से चेन्नई आए हैं उस रूट से आपसे को पटना से चेन्नई वापस नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया, हम पटना से चेन्नई किस रूट से आए हैं इस बात पर ये डिपेंड हो गया कि हमें चेन्नई से पटना उस रूट से नहीं जाना है, तो इस डिपेंडेंसी को कैसे हटाएंगे, बिल्कुल इजी है हटाना,
जिस रूट से हम आए थे उस, है ना, किसी एक रूट से आए होंगे। अभी हमें रूट तो नहीं पता है कौन से रूट से आए हैं, लेकिन किसी एक रूट से पटना से चेन्नई आप आए हैं। तो अगर किसी एक रूट से आए तो वो रूट आपको छोड़ना है, मतलब चार पांच रूट थे उसमें से एक रूट वो एक्सक्लूड कर दो, तो अभी आपका ये इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएगा, फोर रूट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना आने के लिए फोर रूट थे, इसी तरह से पटना से दिल्ली वापस जाने के लिए भी फोर रूट्स अवेलेबल है, लेकिन कंस्ट्रेंट लग गया है कि जिस रूट से आप आए थे उस रूट से वापस नहीं जाना है। इट मींस एक रूट को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा तभी वो इंडिपेंडेंट बनेगा, यानी कि थ्री रूट्स आपके पास अवेलेबल है, वन रूट आपके पास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बस ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए हैं, कितने आ गए, 4, 5 जा 20, 4 जा 80, 3 जा 240 नंबर ऑफ वेज हो। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे ही आपने कंडीशन लगाया, जब आपके पास कंडीशन नहीं था तो टोटल नंबर ऑफ वेज 400 थे, इसी तरह के क्वेश्चन करने के लिए जब आपने कंडीशन लगा दिया तो टोटल नंबर ऑफ वेज 260 रह गए एक कंडीशन लगाने के बाद, 160 नंबर ऑफ वेज उड़ गए। ठीक है, यानी कि वो वाले आउटकम उड़ गए जो आपको उस रूट से भी वापस आने के लिए केस, जितने केस बन सकते। ठीक है, तो आई होप यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ गई। ठीक है, वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं, कई कई बार आप इस क्लास को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिली हुई क्लास है। हाउ मेनी फ्लैग्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर विथ 5 स्ट्रिप्स। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 कलर्स अवेलेबल हैं और एक फ्लैग क्रिएट करना है जिसमें 5 स्ट्रिप्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्रिएट करना है कैसे, इन कलर का यूज करते हुए, मतलब इन कलर को यहां पर हमें पेंट करना है, सीधी बात। तो फर्स्ट स्ट्रिप को पेंट करने के लिए मेरे पास 4 कलर अवेलेबल है, मतलब इसको पेंट करने के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं फर्स्ट स्ट्रिप। सेकंड स्ट्रिप को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं 3, नहीं भाई 3 को, यहाँ कोई कंडीशन थोड़ी है, यहाँ से थोड़ी बोला है आपने जो कलर फर्स्ट स्ट्रिप में फिल किया है वो आप सेकंड में फिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो कोई लैंग्वेज में है नहीं। उसने तो कहा कि इन चारों कलर का यूज करके आपको एक फ्लैग क्रिएट करना है, तो अगर फर्स्ट स्ट्रिप के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो सेकंड के लिए भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं बोला गया कि आपको सेम कलर से ये स्ट्रिप्स को पेंट नहीं करना है, मैं सेम कलर से भी सभी स्ट्रिप्स को पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस मेरे लिए ओपन है, 4, सेकंड वाले के लिए भी 4, थर्ड वाले के लिए भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फोर्थ वाले के लिए भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और फिफ्थ वाले के लिए भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। और जब आप फर्स्ट पेंट कर लेंगे उसके बाद आप सेकंड पेंट करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पेंट करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, फिर फिफ्थ पेंट करेंगे, यानी कि एक वर्क को फिनिश करने के बाद, एक इवेंट को फिनिश करने के बाद ही आप सेकंड इवेंट यहां करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? यस, आपने फर्स्ट स्ट्रिप पर कौन सा कलर किया है, सेकंड स्ट्रिप पर उसका फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड स्ट्रिप पर भी आप जो कलर करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंस्टेंट नहीं है कि आपने फर्स्ट स्ट्रिप पर कौन सा कलर किया है, है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट भी है, इट मीन्स 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो दिस इज 4 to the power 5, और 2 to the power 10 भी आपको यह आंसर मिल सकता है, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए ये 2048 टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो इतने नंबर ऑफ वेज मैनुअली काउंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर आपको दे पाऊं। ठीक है, आ गया ये, हाउ मेनी फ्लैग्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स विद 5 स्ट्रिप्स इन विच नो कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिप हैव सेम कलर। सेम कलर आपको कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिप में नहीं यूज करना है, यहां पर एक कंडीशन आ गया, कंडीशन इज हियर, देयर इज अ कंडीशन, कंस्ट्रेंट, है ना, उस कंस्ट्रेंट का भी हमें ध्यान रखना। तो चलिए फ्लैग आपके पास ये ले लेते हैं फिर से, 1 2
3, 4 and 5. 4 colors available. 4 different colors. No consecutive strip have same color. ये भी condition available है. तो आपके पास first strip को fill करने के लिए 4 options available, कोई doubt नहीं है. Second strip को fill करने के लिए कितने options आपके पास available है. तो ये बात तो इस बात पे depend करेगी कि first में आपने कौन सा color किया है, क्योंकि first and second consecutive strip है ना, इस पे depend करेगा ना कि first में जो भी color आपने fill किया है वो आपको इसके next second में fill नहीं करना है. तो इसको independent बनाने के लिए कि भाई हमने 4 में से कोई एक color वहां use किया होगा, तो वो कोई एक कलर ना करते हुए हमें यहां पर कितने कलर्स अवेलेबल है, 3 कलर्स अवेलेबल. अभी ये इंडिपेंडेंट बन गया है ना. अब जब आप थर्ड पर आए तो थर्ड का कंसेक्यूटिव स्ट्रिप क्या है, सेकंड. ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा यहां अवेलेबिलिटी कितनी है, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं 2. तो गाइस यहां 2 नहीं आएगा, यहां भी 3 आएगा. क्यों 3 आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रिप में आपने फिल किया है वो कलर अब यहां इस स्ट्रिप के लिए अवेलेबल है, विथ थर्ड और फर्स्ट कंसेक्यूटिव स्ट्रिप्स नहीं है. हमारी कंडीशन है नो कंसेक्यूटिव स्ट्रिप हैज सेम कलर. ठीक है, तो सेकंड पर जो भी कलर हुआ होगा वो अवेलेबल नहीं है थर्ड स्ट्रिप के लिए, लेकिन फर्स्ट पर जो कलर हुआ था वो अवेलेबल है थर्ड स्ट्रिप के लिए. मतलब वापस आपके पास 3 कलर्स अवेलेबल है थर्ड स्ट्रिप को फिल करने के लिए, सेम एज फोर्थ स्ट्रिप को भी फिल करने के लिए 3 कलर्स अवेलेबल है और फिफ्थ स्ट्रिप को भी फिल करने के लिए 3 कलर अवेलेबल हैं. आई होप आपको समझ आ रहा है क्यों 3 आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मान लीजिए आप फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ वाले के लिए अवेलेबल है जो आपने सेकंड में फिल किया है या जो आपने फर्स्ट में फिल किया होगा. थर्ड में आपने क्या फिल किया है वो अवेलेबल फोर्थ के लिए नहीं है. इसी तरह से फिफ्थ के लिए जो आपने फोर्थ में फिल किया है वो अवेलेबल नहीं है, बाकी 3 कलर्स जो आपने ऊपर फिल किए हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये होगा आपका. तो यहां आ जाएगा 4 × 3 × 3 × 3 × 3, तो आएगा 4 × 3⁴. इतना क्लियर है आपको. ठीक है, कोई भी डाउट है गाइस कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं उसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं. देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां रह गए हैं, 12 क्वेश्चंस. देयर आर 12 क्वेश्चंस. एक मिनट. एक मिनट दीजिए बस, तो ठीक कर दूंगा. There are 12 questions in an exam which have 2 options, one is true and second is false. In how many ways can be answered the questions? So 12 questions available हैं, 12 questions हैं exam के अंदर, और उनके लिए 2 options available. कौन कौन से 2 options? True और ठीक है. इन 12 क्वेश्चंस को कितने तरह से आप फिल कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को, इन 12 क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, यही तो क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी वेज कैन बी आंसर द क्वेश्चन. तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन को देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन को देने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, सेकंड क्वेश्चन को भी देने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ट्रू और फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन को देने के लिए भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, फोर्थ क्वेश्चन को देने के लिए भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, फिफ्थ के लिए 2, ठीक है, सिक्स के लिए 2, सेवेंथ के लिए 2, एट के लिए 2, नाइन के लिए 2, टेन के लिए 2, 11 के लिए 2 और 12 के लिए. अब यहां क्या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लगा सकते हैं? बिल्कुल. क्वेश्चन 1 का आपने ट्रू या फॉल्स में से कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन देकर आप आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन 1 को फिल करने के बाद आप क्वेश्चन 2 पर ही आएंगे, यानी कि इवेंट आपने फिनिश किया. अब क्वेश्चन 2 में आप ट्रू या फॉल्स में से कोई एक ऑप्शन देंगे, लेकिन ये डिपेंड नहीं कर रहा है फर्स्ट
क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर दिया है, फर्स्ट का जो भी आपने आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर टू में आप उससे वो या उससे अलग आंसर दे सकते हैं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और फर्स्ट इवेंट को खत्म करने के बाद ही आप सेकंड इवेंट पर आ रहे हैं, इट मींस इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई लगाना होगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 to the power 12 आ जाएगा, तो 2 to the power 12 एक बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो मैंने फिर से बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बात कीजिए उसके बारे में। चलिए मैं मैनुअली काउंट आपको 2 questions से लेकर के यहां बता देता हूं। क्वेश्चन 1 के लिए आपने सपोज 2 दिया तो क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन 2 के लिए भी आप 2 ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 के लिए 2 दिया तो क्वेश्चन 2 के लिए आप फॉल्स ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 में आपने फॉल्स दिया तो क्वेश्चन 2 के लिए आप 2 भी दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 में आपने फॉल्स दिया तो यहाँ फॉल्स दे, तो देखिए 4 options अवेलेबल आ गए। ठीक है, 2 into 2, ओके 2 to the power 2 आ जाएगा। आई होप कोई डाउट आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको हटा देता हूँ अभी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसी तरह से। इन हाउ मेनी वेज कैन बी द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन सो दैट ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ऑल आंसर्स आर करेक्ट यानी के यहां पर आपको एक कंडीशन दे दिया है कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर देना है, गलत देना ही नहीं है, है ना? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी करेक्ट आंसर है वही आप मार्क करोगे। दूसरा ऑप्शन देने के लिए आपके पास अभी क्या नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं, आप एक ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ठीक है, वहां उसने आपको कंडीशन कर दिया कि भाई आपको ट्रू ही मार्क करना, तो ट्रू तो एक ही है तो एक ही मार्क कर पाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो करेक्ट है वही मार्क कर पाएंगे, है ना? यानी कि 1 1 क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे, वहां भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसी मार्क करना है। बस 1 into 1 into 1 आप ऐसी 12 times करते चले जाएंगे तो कुल मिलाकर आपका आंसर क्या आएगा, 1। करेक्ट ऑप्शन देने के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और उनको मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 1 आने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन बी आंसर टू ऑल द क्वेश्चन सो दैट ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें आपके 12 questions हैं और 2 false दिया हुआ है, तो फिर यहां भी क्या है, आपको फॉल्स ही देना है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। 2 ही options थे जिसमें एक करेक्ट था और एक रॉन्ग था, तो आपको तो रॉन्ग ही फिल करना है। रॉन्ग फिल करना है तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है सभी क्वेश्चन के लिए, तो 1 into 1 into 1 एंड सो ऑन 12 times ये अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको ये 1 ही आने वाला है, एक ही ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, बहुत सीधे आंसर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला देयर आर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जाम विद ओनली 1 choice करेक्ट आउट ऑफ 4 choices, तो 4 choices में एक ही चॉइस करेक्ट है, 4 choices में आपका एक ही चॉइस करेक्ट है। ठीक है, बाकी 3 choices इनकरेक्ट हैं, ये क्लियर कर दिया है। तो हाउ मेनी वेज कैन बी फिल्ड द आंसर शीट, अभी आंसर शीट को फिल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 options अवेलेबल हैं, कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 4 options अवेलेबल हैं, एंड सो ऑन सभी के लिए 4 4 options अवेलेबल है। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए 4 options अवेलेबल हैं और सभी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या आंसर किया है, सेकंड क्वेश्चन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां भी आप कोई भी एक ऑप्शन फिल कर सकते हैं। इट मीन इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक इवेंट को फिनिश करने के बाद आप सेकंड इवेंट कर रहे हैं, तो यहां आपका आंसर आएगा 4 into 4 12 times मीन्स 4 to the power 12, है ना? तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। हाउ मेनी वेज कैन बी फिल द आंसर शीट सो दैट ऑल आर करेक्ट, भाई समझ आ गया होगा आपको अभी करके आ रहे हो, आपको केवल करेक्ट ऑप्शन ही फिल करना है और करेक्ट ऑप्शन उन 4 में से एक ही है, यानी कि आपके पास एक ही चॉइस बचती है फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए भी, सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए भी,
थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए भी केवल एक ही चॉइस अवेलेबल है 12 टाइम्स ही करोगे तो अभी 1 × 1 × 1 ही आने वाला है, 1 की पावर 12 भी 1 ही होता है। ठीक है, चलिए सी की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी वेज कैन बी फिल्ड द आंसर शीट सो दैट ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? करेक्ट जो था वो फिल नहीं करना है, बाकी 3 में से कोई कर सकता, एक ही तो करेक्ट था, 3 तो रॉन्ग है, तो 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 में से कोई एक फिल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड सो ऑन, 12 के लिए भी आपके पास ये 3 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, यानी कि ये भी आपको क्या आएगा 3 to the power 12। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 4 to the power 12, बी का आंसर हो गया 1 और सी का आंसर हो गया 3 to the power 12। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जाम विद मोर देन 1 चॉइस इज करेक्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस। ये क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, क्यों ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मुझे करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा आंसर आएंगे है ना, मुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, साथ साथ लाइक्स भी बहुत सारे चाहिए, तो नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्लास हम आपके सामने पेश करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके क्या आंसर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में इसके एक बहुत अच्छे अच्छे मेथड आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए और लाइक वीडियो को करते जाइए। थैंक यू।